हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं नियॉन जेनेसिस एवोगलीन एनिमे सीरीज के वॉचर्ड के ऊपर। इस एनिमे के रिलेटेड इसके तमाम सीजन, स्पेशल एपिसोड्स और इसकी मूवीज के ऊपर हम बात करेंगे, तो जितना इजी और सिंपल हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस एनिमे के रिलेटेड 1 सीजन 6 मूवीज और बहुत सारे इसके स्पेशल एपिसोड्स और ओवी एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप सीरीज को स्टार्ट करेंगे इसके सीजन 1 से, जिसका नाम था नियॉन जेनेसिस एवोगलीन, जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 4, 1995 से लेकर मार्च 27, 1996 तक। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 26 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ था नियरली 24 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 8.34 की। वो इस सीरीज का फर्स्ट सीजन है। तो सीजन 1 देखने के बाद अब इस सीरीज की फर्स्ट मूवी देखेंगे, जिसका नाम था नियॉन जेनेसिस एवोगलीन डेथ एंड रीबर्थ। ये मूवी रिलीज हुई थी मार्च 15, 1997 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 आवर 44 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली थी 7.46 की। ये काफी पॉपुलर मूवी थी जो इस सीरीज की एंडिंग के ऊपर बेस्ड थी। इसके बाद इसकी सेकंड मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था नियॉन जेनेसिस एवोगलीन द एंड ऑफ एवोगलीन। ये मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 19, 1997 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 आवर 26 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी की रेटिंग मिली थी 8.55 की। ये 90 सीरीज की सबसे पॉपुलर मूवीज में इंक्लूड होती है, जिसने इस सीरीज के सीजन 1 को बहुत ही अमेजिंग तरीके से एंड किया था। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसके कुछ ओएन एपिसोड्स देखेंगे, जिसका नाम था पिट्स एवा एवोगलीन स्कूल। ये रिलीज हुए थे मार्च 20, 2007 से लेकर मार्च 11, 2009 तक। ये टोटल 24 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड के लिए था नियरली 3 मिनट और इन्हें रेटिंग मिली थी 8.48 की माय एनिमे लिस्ट पर। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एनिमेशन और स्टोरी के रिलेटेड नहीं है। इसकी वजह से मोस्टली एनिमे फैन इसे स्किप कर देते हैं। तो इस सीरीज को देखने के बाद अब इसकी नेक्स्ट मूवी देखेंगे, मूवी 3, जिसका नाम था एवोगलीन 1.0 यू आर नॉट अलोन। ये मूवी रिलीज थी सितंबर 1, 2007 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 आवर 41 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली थी 8.01 की। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर मूवी थी। वैसे भी इसका सीजन 1 का रीकैप है, लेकिन इसका रीकैप बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि जो इसका ऑफिशियल सीजन था वो 1996 को बना था, जिसमें बहुत ही कम और लो एनिमेशन थी, लेकिन उसे 720p और हाई क्वालिटी में बनाया गया है, जिसकी वजह से मूवी काफी एनिमे फैन ने पसंद की थी। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ था, जिसका नाम था एवोगलीन 2.0 यू कैन नॉट एडवांस। ये मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 27, 2009 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 आवर 52 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 8.31 की। ये सीजन 1 का सेकंड पार्ट का रीकैप है, लेकिन इसकी एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग है इसके ओरिजिनल सीजन से, जिसके वजह से एनिमे फैंस ने इसे काफी पसंद किया था। ये सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीकैप्स में भी इंक्लूड होता है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप सीरीज देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वरना आप ये दो मूवीज देख लेंगे तब भी आप एनिमे की स्टोरी को पूरी तरह समझ पाएंगे। तो इस मूवी को देखने के बाद इसकी थर्ड मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था एवोगलीन 3.0 यू कैन नॉट रेडो। ये मूवी रिलीज हुई थी नवंबर 17, 2012 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 आवर 35 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.63 की। ये काफी पॉपुलर मूवी रही थी। तो इस मूवी को देखने के बाद आप इसकी 6th मूवी देखेंगे, जो इस सीरीज की सबसे पॉपुलर चीज है, जिसका नाम था एवोगलीन 3.0 प्लस 1.0 थ्री अपॉन अ टाइम। ये मूवी रिलीज थी मार्च 8, 2021 को। इस मूवी की लेंथ है 2 आवर 35 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.63 की। ये एनिमे सीरीज की टॉप 10 सबसे पॉपुलर मूवीज में इंक्लूड होती है अपनी हाईएस्ट रेटिंग की वजह से, और इंतहाई पॉपुलर मूवी रही थी क्योंकि इसने एवोगलीन सीरीज को इतने अमेजिंग तरीके से एंड किया था, जिसे कोई भी एनिमे फैंस आज तक भूल नहीं पाएगा। तो ये सीरीज की सबसे परफेक्ट मूवी है, जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा आपको इस सीरीज के रिलेटेड बहुत सारे ओएनए, ओवी और स्पेशल एपिसोड्स देखने को मिल जाते हैं, मोस्टली एनिमे वेबसाइट्स पर, लेकिन ये मोस्टली यूजलेस हैं और बहुत ही लो एनिमेशन के साथ साथ स्टोरी के रिलेटेड भी नहीं है। ये फैन बेस बनाए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वरना आप इन्हें इजिली स्किप कर सकते हैं। इसके तमाम एपिसोड्स आपको इंग्लिश सब और डब दोनों में देखने को मिलेंगे तमाम किस्म की एनिमे वेबसाइट्स पर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉचर बताता रहूं। एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।